हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी घर की तरफ एक कंस्ट्रक्शन का वर्क भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, और मेरा एक कोर्स भी चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो वो कोर्स निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मेरे पास उनके आंसर तो होने चाहिए ना गाइस। तो एडवांस कोर्स मैं कर रही थी एक, तो कहीं चलिए आज जैसे कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, और आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कि चारकोल सूप क्या होता है, चारकोल सूप क्या वर्क करता है, क्या बेनिफिट मिलते हैं और क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको एक कंप्लीट इन्फो देने वाली हूँ, क्योंकि चारकोल सूप को पहले मैंने खुद यूज़ करके देखा है, पूरा कम्प्लीटली यूज़ किया है, उसके सारे इफेक्ट अपनी बॉडी पर खुद मैंने नोटिस किए हैं और मैंने उनको नोट करके भी रखा, सो दैट मैं जब आपके साथ में ये रिव्यू शेयर करूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपके तक पहुँच जाए। ओके गाइस, इसके इस रिव्यू करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बता दिया रीज़न क्या था। एंड गाइस, इसके साथ में एक और सोप मैंने यूज़ किया है इसके बाद में, पोटैटो सोप, उसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। सो गाइस, जैसे कि आज हम चारकोल सोप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं चारकोल सोप के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो मैंने यूज़ किया था, कौन सी कंपनी का मैंने चारकोल सोप यूज़ किया था। गाइस, तो मैंने यूज़ किया था TNW कंपनी का चारकोल सोप। मैं इस सोप को पूरा कम्प्लीटली यूज़ कर चुकी हूँ, पूरे इसके रिजल्ट में देख चुकी हूँ, और उसी के बेसिस पे आज की वीडियो में आपके साथ में ही प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं चारकोल सोप होता क्या है, एक्चुअली में चारकोल क्या होता है। गाइस, चारकोल कुछ और नहीं, कोयला होता है, ये तो हम सब जने जानते हैं, ठीक है। पर चारकोल जो होता है, यानी ये कोयला जो हम यूज़ करते हैं, ये एक्टिवेटेड यूज़ करते हैं। जब कोयले को एक हाई प्रोसेस से गुजारा जाता है, इसमें हाई हीट डाली जाती है, मतलब हाई टेम्परेचर की हीट इसमें से प्रोसेस की जाती है, कुछ इसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि ये एक्टिवेट हो जाए, तो उसी के बाद हमें इसके रिजल्ट मिलते हैं, है ना गाइस। तो अब क्या होता है, जब हम चारकोल सोप की फॉर्म को यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो ये चारकोल सोप जिसमें सोप बेस का भी यूज़ किया जाता है, ये हमारी स्किन पे एक्स्ट्रा डर्ट पोल्यूशन जो भी होता है, या हमारी स्किन पे स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, ऑयलीनेस आ जाती है, इसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आप देखेंगे चारकोल सोप आपको जनरली ऑयली स्किन के लिए ही मिलेंगे, क्योंकि ये ऑयल को सक कर लेते हैं, सोख लेते हैं हमारी स्किन के अंदर से, तो हमारी स्किन फ्रेश लगने लगती है। जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये प्रोडक्ट यूज़ करना, लेकिन जिनकी स्किन ड्राई होती है, या आप इसे विंटर सीजन के अंदर यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, आपकी स्किन फटने भी लगेगी, ऐसा हो सकता है, तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूर चाहिए अगर आप इस सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ओके गाइस, इस सोप का एक और क्लेम निकल के आता है गाइस, वो निकल के आता है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये एक्ने को रिमूव कर देता है। सो गाइस, मैं आपको बताती हूँ ये क्लेम सच है या गलत है। गाइस, ये जो सोप होता है ये हमारी स्किन के ऊपर अगर एक्ने डर्ट पोल्यूशन की वजह से होते तो वो रिमूव हो जाते हैं, पर अगर आपके अंदर से प्रॉब्लम है तो वो रिमूव नहीं होगी, क्योंकि एक्टिवेटेड जो चारकोल होता है इसको हमारी स्किन पे अपना रिजल्ट देने में ना एटलीस्ट 30 मिनट से लेके 1 आवर तक का टाइम लगता है, पर उतना ज़्यादा तो हम इसे लगा के रखते नहीं अपनी स्किन के ऊपर। कोई ऐसा थोड़ा ना एक पर्सन जाएगा नहाने के लिए, उसे पूरी अपनी स्किन पे एक पैक की तरह अप्लाई करेगा, फिर 1 घंटा तक वेट करेगा कि उसके बाद मैं इसे रिमूव करूँगा, ऐसा तो नहीं होता, ना ही हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। तो गाइज़, ये अंदर से जो प्रॉब्लम होती है एक्ने वगैरह की, वो उसको रिमूव नहीं कर पाता है। ओके गाइज, सेकेंड इसका क्लेम ये निकल के आ रहा था, ये हमारी स्किन को ब्राइट बना देता है, बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलरिटी इसी वजह से हुई है कि ये ब्राइटनिंग के लिए किया जाता है। गाइज, ये क्लेम बिल्कुल फॉल्स क्लेम है, यकीन मानिएगा आपको 1% भी ब्राइटनेस अपनी स्किन के ऊपर नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस सोप को पूरा यूज़ करके देख चुकी हूँ और मुझे कोई बेनिफिट ब्राइटनिंग के लिए नज़र नहीं आया। गाइज, तो ये बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। इससे अच्छा तो आप मार्केट में जो लोकली सोप मिलते हैं 20-25-30 रुपये के, 50 रुपये के, आप वो यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो ठीक रहेगा, क्योंकि ये सोप की अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना गाइज, तो ये सोप आपको अराउंड 100 ग्राम का सोप 250 रुपये का मिलता है। गाइस, 250 रुपये का सोप, 250 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का सोप आपको ये 250 रुपये का मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इसकी MRP। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से डिस्काउंट में भी खरीदने जाएंगे ना, तो मैंने इसे 150 रुपये का ख़रीदा था, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे। 150 रुपये में मुझे क्या रिजल्ट मिले, 0, सिर्फ स्वेटिंग रिमूव हुई, इतना तो लोकल सोप भी कर देते हैं ना गाइस। मैं ब्रांड के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ सोप के बारे में बता रही हूँ, मेरा कोई वो पर्सनल इंटेंशन नहीं है किसी तरह आपको कुछ कहने का, लेकिन सोप ने क्या रिजल्ट दिए मैं आपको वो बता रही हूँ गाइस। ओके, अगर आप फिर भी
आते हैं कि आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ओके गाइज, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने ऑब्जर्व करी है, और आई होप आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है कि आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप आपके लिए ये इन्फो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये इन्फो पसंद आई है, आपको ये रिव्यू पसंद आया, तो प्लीज़ रिव्यू को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब गाइस जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।